हे hey गाइस कैसे हो गाइस उत्तराखंड अधिनियश सेवा चयन आयोग ने निर्धारित परीक्षा कार्यक्रम जो है कैलेंडर जारी कर लिया है और फाइनली कैलेंडर जारी किया है तो देखो कब का, कौन का, सी परीक्षा होगी तो गाइस इसमें कोई प्रस्तावित नहीं है इसमें जो सारे जो एग्ज़ाम होंगे वो सब फिक्स तय किए गए हैं तो देखे गाइस इसमें कौन कौन सी परीक्षा कब होगी और क्या होगी तो देखते हैं तो सबसे पहले मैं बात करूँ गैस इसमें जो है चौबीस चार को ये यानी कि कल ही ये कैलेंडर जारी हो गया था ट्रिपल सी के द्वारा तो गैस इस भी दिया गया है कि उत्तराखंड अधिनियम सेवा चयन आयोग द्वारा विभिन्न विभागों की आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु दिनांक एक मार्च दो जा को जारी प्रस्तावित परीक्षा कार्यक्रम निम्नानुसार अंतिम किया जाता है तो गाइस ये फाइनली कैलेंडर जारी किया यू ट्रिपल असी ने जिस पे रोक लगाई थी तो गाइस देते हैं क्या क्या है इसमें तो गाय सबसे पहले बात मैं करूँ यूके ट्रिपल एसी ने इसमें देखो इस सबसे पहले मैं बात करूँगा इस तो गए सबसे पहले जो इसमें एग्ज़ाम होगा वो है पदनाम प्रशिक्षण अधिकारी ठीक है प्रशिक्षण अधिक्षा अधिकारी जो पेपर होगा 19 मई को होगा और 9 बजे से 11 बजे तक होगा ठीक है गए दूसरी जो इसमें एग्ज़ाम है इसमें जो परीक्षा होगी वो है शोध अधिकारी तो गए जो शोध अधिकारी होगी ये भी उन्नीस मई को ही होगा ठीक है नौ बजे से ग्यारह बजे तक ध्यान रखेंगे नेक्स्ट है दूसरा इसमें डेंटल हाइडिनिस्ट तो गए ये जो ये भी परीक्षा जो होगी ये भी उन्नीस मई को ही होगी ठीक है नौ बजे से ग्यारह बजे तक ठीक है गए नेक्स्ट है पर्यवेक्षक बैगर यानी कन्फेक्शनरी तो so ये परीक्षा भी होगी उन्नीस मई को और ठीक है नौ बजे से ग्यारह बजे तक ठीक है दूसरा परीक्षा दूसरा इसमें तबला वादक तो गए जो तबला वादक परीक्षा जो इसका जो, जो पेपर होगा वो भी उन्नीस मई को होगा ठीक है नौ बजे से ग्यारह बजे तक दूसरी जो परीक्षा होगी वो है पर्यवेक्षक ठीक है तो पर्यवेक्षक गाय जो इसके पेपर होगा वो भी नौ उन्नीस मई से उन्नीस मई को होगा और आ, ये होगा सुबह नौ बजे से ग्यारह बजे तक ठीक है नेक्स्ट है इसकी जो दूसरी परीक्षा है गाइस इसकी जो दूसरी परीक्षा है वो है पर्यवेक्षक पर्यवेक्षक कहने की तो ये भी उन्नीस मई को होगी और ये भी होगा नौ बजे से ग्यारह बजे तक ठीक है नेक्स्ट है मैकेनिक तो गए जो मैकेनिक परीक्षा ये भी उन्नीस मई को होगी और ये भी होगा नौ बजे से ग्यारह बजे तक ठीक है और टायर निरीक्षक ये भी उन्नीस मई को होगी और नौ बजे से ग्यारह बजे तक ठीक है और नेक्स्ट है साय भंडार पाल तो साय भंडारपाल ये भी उन्नीस मई को होगी और प्रातः नौ बजे से ग्यारह बजे तक ठीक है ध्यान रखेंगे नेक्स्ट है फिटर मैकेनिक तो फैक्ट्री फी मैकेनिक जो है इसकी जो परीक्षा होगी उन्नीस मई को ठीक है ये भी नौ बजे से ग्यारह बजे तक नेक्स्ट है क्रीड़ा सहायक तो क्रीड़ा सहायक इसकी परीक्षा भी होगी उन्नीस मई को और इसका जो ये भी नौ बजे से ग्यारह बजे तक होगा ठीक है नेक्स्ट है कैमिस्ट तो कैमिस्ट परीक्षा भी होगी उन्नीस मई को और नौ बजे से ग्यारह बजे तक ठीक है नेक्स्ट है सहायक लेखाकार तो सहायक लेखाकार परीक्षा भी उन्नीस मई को और ये ये होगा गाइस दोपहर बारह बजे से दोपहर दो बजे तक ठीक है नेक्स्ट है प्रयोगशाला सहायक तो गैस प्रयोगशाला जो इसकी परीक्षा होगी उन्नीस मई को आ, तीन बजे से शाम पाँच बजे तक ठीक है नेक्स्ट है पदनाम प्रयोगशाला फार्मेसी तो गाइस ये दो जून की होगी ठीक है दो जून की होगी प्रातः नौ बजे से ग्यारह बजे तक ठीक है मत्स्य निरीक्षक ये भी दो जून को होगी ठीक है और पदनाम निरीक्षक दो जून को और दर्शक प्रदर्शन प्रदर्शक दो जून को सहकारिता दो जून को सहकारिता पर्यवेक्षक ठीक है विकास निरीक्षक दो जून को ठीक है और ये और ये है विकास निरीक्षक वर्ग ये भी होगा दो जून को ठीक है नौ बजे से ग्यारह बजे तक होंगे परीक्षाएं ठीक है नेक्स्ट है सहायक भंडार दो ठीक है कोड देख लें आप अपना ये भी दो जून को होगा और दोपहर बारह बजे से दोपहर दो, दो बजे तक ठीक है इसकी परीक्षाएँ और गए नेक्स्ट है वैज्ञानिक सहायक तो वैज्ञानिक सहायक भी होगा ये भी दो जून को होगा बारह बजे से दो बजे तक ठीक है नेक्स्ट है अधीनत सेवा वर्ग या सहायक खाद्य निरीक्षक प्रश्न तो ये एग्जाम भी होगा दो तो जून को रविवार को ठीक है तीन सा, बजे से पाँच बजे तक ठीक है ध्यान रखेंगे नेक्स्ट है सहायक ऑफ तो सहायक ऑफेस्ट ये भी होगा नौ जून को दस बजे से बारह बजे तक नेक्स्ट है सहायक निरीक्षक ये भी ये सोलह जून को होगा ठीक है सॉरी ये 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 मशीन सहायक ऑफसेट और सहायक विकास अधिकारी और सहायक निरीक्षक वर्ग ये सोलह जून को हो गए ठीक है दोनों परीक्षाएँ तो ये होंगे दस बजे से बारह बजे तक ठीक है ध्यान रखेंगे और दूसरी जो नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकन मैके मैकेनिक तो ये परीक्षा भी होगी सोलह जून को ठीक है दस बजे से दोपहर बारह बजे तक नेक्स्ट है कैट लॉगर तो कैट लॉगर जो परीक्षा होगी इसकी होगी सोलह जून को ठीक है दो बजे से शाम चार बजे तक इसका समय रहेगा नेक्स्ट है पदनाम जो केयर टेकर है इसके भी पेपर होगा इसका पेपर भी सोलह जून को होगा और दोपहर दो, दो बजे से शाम चार बजे तक होगा ठीक है लेगा ठीक है गाइश और जो लास्ट परीक्षा है गाइस वो है अन्वेषक कम संगणक तो ये सोलह जून को होगी और दोपहर दो, दो बजे से शाम चार बजे तक ठीक है तो गाइस तो ये था जो कि ट्रिपल रेसी ने कैलेंडर जारी किया है तो गाइस काफ़ी महत्वपूर्ण है देख ले आप अपना नोटिफिकेशन और गाइस अभी मैं फ़िलहाल सीरीज नहीं ला पा रहा हूँ किसी काम थोड़ा तबियत सही ना होने के कारण तो जल्दी मैं आपके लिए सीरीज भी शुरू करूँगा गाइस आप देख लो ज़्यादातर आप उत्तराखंड से जैसे परीक्षा वाणी हो गया और जी करंट अफेयर पर ध्यान दें और लूसेंट बुक पढ़े आप ठीक है इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट सेक्ट पढ़े आप और साथ साथ में जो हमारी सीरीज है उस पर भी ध्यान दिए कि किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं ठीक है गाइस तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये बन जाता है तो गाय तब तक तो आप अपना ध्यान रखें और ख्याल रखें गाय देख लो आप जिस जिसका एग्ज़ाम है आप उस देख लो बाकी तो गाय ज़्यादातर ही पेपर उन्नीस मई को ही ज़्यादातर कनेक्ट निर्धारित किया है ट्रिपल पलिस ने तो ठीक है तो देख ले आप गए जिसने जो फॉर्म भराया तो जिनका पेपर है वो तो तैयारी कर लें और देखो गैस 19 मई से ही पेपर शुरू हो रहे हैं तो गैस आपको पता है कि ज़्यादा जाद ज़्यादा एक माह बचे हैं आपके पास तैयारी करने के लिए ठीक है तो एक माह में कैसी तैयारी करनी है आपको वो आप खुद तय करें ठीक है तो गाय पोर्ट्रेट सेक्ट पढ़े और नोट्स भी बनाइए और रिवीजन करें जो आपने पढ़ा होगा ठीक है तो घबराए नहीं पेपर अगर आप रिवीजन करोगे अच्छे तरह से तो आपको जो भूला हुआ अभी एग्ज़ाम हॉल में याद आ जाता है ठीक है तो गैस अपना ध्यान रखें थैंक्स फॉर यूर वॉचिंग थैंक यू